हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और स्वागत है आप सभी का निशांत स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं सामान्य हिंदी कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2019 का पेपर, जो कक्षा 12 के छात्रों के लिए है। और इसका एक वीडियो मैंने पहले भी दे दिया है, जो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर का एक वीडियो मैंने पहले भी दे दिया है, तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सामान्य हिंदी का पेपर इस बार कैसा होगा, कितने नंबर का होगा और क्या क्या दिक्कतें आएंगी इस पेपर को करने में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा। अगर इस वीडियो को नए व्यूअर देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे पता है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। तो मैं बताता हूँ कि मैं ये भी बताऊंगा कि पुराने पेपर जो 2018 का था उसमें और इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो चेंजेस भी बताता रहूंगा और कुछ जानकारियाँ भी बताता रहूंगा। तो इसमें 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है आप लोगों को और पूर्णांक पूरे 100 नंबर का दिया गया है। ये 100 नंबर का पूरा पेपर होगा आप लोगों का और समय उतना ही है, 3 घंटे 15 मिनट, समय कोई ज़्यादा नहीं है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि चिंतामणि के लेखक कौन है। तो चिंतामणि के लेखक, जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो दे दिया है तो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें सारे लेखक और सबका दिया गया है। तो पहला प्रश्न यही होगा खंड का और आगे चलते हैं। तो ये 5 प्रश्न होंगे करीब, तो आगे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न आता है कि सूरसागर के रचनाकार कौन है। तो सूरसागर रचनाकार सूरदास जी हैं, तो सभी को पता होगा। और का खा गा घा और इसके बाद अंगा। और उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है जो यहाँ पर दिया गया, यानी कि फर्स्ट जो होता है, पहले में 5 प्रश्न आपको करने होते हैं, लेकिन जो 2018 का पेपर था उसमें पहले में ही दिया गया था कि 10 प्रश्न पूरे दिए गए थे ऑब्जेक्टिव वाले और वो पूरा 10 नंबर का था, लेकिन इसमें 2 नंबर करके वो भी 5 नंबर का कर दिया गया है। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है गद्यांश आधारित निम्नलिखित ग्रंथों, सॉरी, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 2 नंबर आपको 2×5 लिखा हुआ है, तो यानी कि आगे 5 क्वेश्चन होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। तो 2-2 नंबर के आप 5 क्वेश्चन करने होंगे तब आपको 10 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, और कोई अथवा क्वेश्चन भी दिया होगा। और पुराने पेपर में क्या होता था कि पुराने पेपर में भी सेम यही कंडीशन होती थी। जी हाँ, एकदम सेम कंडीशन यही होती थी। और यहाँ पर पूरे 5 प्रश्नों के आपके उत्तर देने होंगे। और उसके बाद अथवा प्रश्न भी आपको दिया गया है, आप अथवा प्रश्न भी कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, जो भी आपको अच्छा लगे, इजी लगे वही करिएगा। और चौथा प्रश्न दिया गया है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी 5 प्रश्न नीचे दिए गए हैं, 5ों प्रश्न के उत्तर देंगे तो आपको 10 नंबर उसमें दिए जाएंगे। तो इसमें भी अथवा प्रश्न दिया गया होगा, आप अथवा प्रश्न में से एक कोई कर सकते हैं, या ऊपर वाला करिए या नीचे वाला करिए। जैसे नील परिधान बीच सुकुमार, आप ये भी कर सकते हैं और ऊपर वाला भी कर सकते हैं। इसमें भी 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5ों करेंगे तभी आपको उसके 10 अंक मिलेंगे। और यहीं पर 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो ये भी 2-2 नंबर का है, अधिकतम शब्द सीमा 80 दिया है, तो आप 80 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, करीब 2 पेज का होना चाहिए। जी हाँ, 2 पेज का होना चाहिए, ताकि और बहुत ही अच्छे से सजा कर कॉपी लिखिएगा तभी आपको 4 नंबर एकदम बाकायदे बढ़िया मिल जाएंगे। और कई बार ये पूछे भी जाते हैं, जैसे आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का बताइए, हरिशंकर परसाई का जी का बताइए, APJ अब्दुल कलाम, शायद बहुत कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये शायद लगता है कि इस बार ऐड किया गया है, NCERT पैटर्न पर बेस्ड है क्वेश्चंस। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आप 100% तैयार कर लीजिएगा, इनका हर बार पूछा जाता है। तो खा वाला देखते हैं, एक कवि का साहित्यिक परिचय देना होता है।
तो आप मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, तीनों में से कोई भी आप रेडी कर लेंगे तो आप उसको वहाँ पर लिख सकते हैं बोर्ड में। और प्रश्न नंबर 6 पर देखते हैं, तो पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी, आप इसमें से पंचलाइट लिखिए या बहादुर लिखिए, कोई एक कहानी बढ़िया अच्छे से कॉपी पर सजा के अच्छे से लिख दीजिए, और जिसके शब्द सीमा यानी कि 100 शब्द अधिकतम होने चाहिए, 100 शब्द होने चाहिए, और 4 नंबर आपको उसमें दिए जाएंगे, क्योंकि आपके पास समय भी बहुत कम होता है इस पेपर को करने में, क्योंकि इसमें दोनों पेपर ऐड कर दिए गए हैं। क्योंकि 2018 में क्या होता था कि एक द्वितीय प्रश्न होता था और एक प्रथम प्रश्न होता था, जो 50 अंक का होता था। फर्स्ट पेपर 50 अंक का, द्वितीय प्रश्न 50 अंक का, तो उसमें समय भी अधिक मिलता था और नंबर भी, तो इसमें शायद नंबर की कमी हो जाए आप लोगों को। लेकिन आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, अच्छे से लिखने की आदत डालिए, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत जल्दी लिखना होगा, बहुत स्पीड में लिखना होगा, तभी आप अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो 7वां प्रश्न है, स्वपठित नाटक के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आप, ये होता है कि जिले के आधार पर शायद बेस होता है, तो किसी के यहाँ राजमुकुट का लिखना होता है कहानी नाटक, और किसी के यहाँ कुहासा और किरण और आन कमान, ये कहानियाँ होती हैं। तो कई कई जिलों में श्रवण कुमार का भी पूछते हैं। जैसे 8वां प्रश्न आ गया, तो इसका भी चार मार्क देते हैं, तो आप श्रवण कुमार की कहानी बड़े ही आराम से लिख सकते हैं। और कहीं कहीं रश्मि रथी, यानी कि हर एक ज़िले से अलग अलग पूछे जाते हैं। तो 9वां प्रश्न यहीं पे खंड खा यानी कि संस्कृत, यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में जो दिया गया है का वाला प्रश्न, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप अनुवाद करने के लिए, पहले में क्या होता था कि उसमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए दिया जाता था, लेकिन वो 8 नंबर का होता था, और यहाँ पर ये 7 नंबर का कर दिया गया है। 2018 में 8 नंबर का होता था और 2019 में ये 7 नंबर का कर दिया गया। आप अथवा प्रश्न भी कर सकते हैं इसमें। और इसमें खा दिया गया है कि दिए गए पद्यांशों श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, ये भी 7 नंबर का कर दिया गया है। तो आप इसमें से कोई भी एक कर सकते हैं, यानी जैसे भाषा से मुख्या मधुरा ये वाला कर सकते हैं। ये सारे जो दिए गए हैं इसमें सारे इम्पोर्टेंट इंक्लूड किए गए हैं, इसमें से भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। और यहीं पर 10वां प्रश्न है कि मुहावरा और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होता है। तो आप किसी एक का अर्थ लिखिए, जैसे 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, जैसे इसका वाक्य प्रयोग डालिए, जैसे चोर को देखते ही, सॉरी, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। और 11वां प्रश्न यहाँ पर आता है कि संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आप इसके एक नंबर एक क्वेश्चन को सही करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा कर दिया गया है कि यहाँ पर आपको विकल्प दे दिए गए हैं। विकल्प देकर आप समझ सकते हैं, जैसे रमेशा है तो इसका क्या होगा, आप लोग चुन सकते हैं और उसका सही आंसर लिखकर कर सकते हैं, जिसका आपको एक नंबर दिया जाएगा। और वहीं पर खा प्रश्न है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन अनुसार चयन कीजिए। आपको यहाँ पर विभक्ति लिखना होगा, वचन लिखना होगा। अगर आपको विभक्ति और वचन, इसमें पेपर में कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करवा दूंगा आप लोगों को। और 2 प्रश्न दिए गए हैं, और 12वां प्रश्न यहीं पर देख देते हैं। तो 12वां प्रश्न कह रहा है, शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे सकल सकल है, तो यहाँ पर 1 के 4 प्रश्न दिए गए हैं सकल सकल का, तो यहाँ पर जो भी सकल का एक अर्थ होता है वो लिखना होता है, तो आप ये बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। 2 नंबर का होता है, और निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे अमृत का है तो अमृत का अर्थ लिख सकते हैं सुधा, पीयूष, सोम, ऐसे कुछ होता है तो आप कर सकते हैं, अमृत का भी लिख सकते हैं आप लोग। और पयोधर, उसके बाद गा वाला देखते हैं, तो गा वाले पे दिया गया है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो आपको एक शब्द लिखना होता है, जैसे जैसे सबसे पहले गिना जाने वाला,
अगन्य क्या होता है, गण अनंत कौन होता है इस तरह, जिसका कोई शत्रु ना हो। जैसे सबसे पहले कौन गिना जाता है, तो उसके चार विकल्प दे दिए गए हैं, इसमें से आपको एक चुनना होगा। जैसे जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, तो यह अजात शत्रु या फिर जो भी आपको लगे वो आप टिक करके वहाँ पर आ सकते हैं। आपको इसका आंसर कॉपी में लिखना होगा और घा पे दिए गए हैं कि नहीं, दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो आपको इसमें से कोई दो वाक्य शुद्ध करके लिखना है। जैसे मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं, तो आपको इसको एकदम शुद्ध करके, एकदम स्पष्ट करके आपको लिखना होगा। आपकी क्वेश्चन बैंक में एकदम अच्छे से दिया होगा। तो और आ जाते हैं कि कौन कौन से रस पूछे जाएंगे। तो रस के दो नंबर आपको दिए जाएंगे, करुणा, सद्भाव, श्रृंगार रस, कोई भी आप पूछ सकते हैं उसमें पेपर में। तो आप उसकी परिभाषा उदाहरण आपको देकर दो नंबर आपको, इसके पक्के दो नंबर आपको मिल जाते हैं। तो उसके बाद है खा वाला, यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। तो आप यमक या उत्प्रेक्षा अलंकार लिख सकते हैं। और उसके बाद दोहा अथवा चौपाई, यानी कि आप इसमें से दोहा या चौपाई कोई भी छंद का आप लिख सकते हैं, यानी कि आपको मात्रा सहित लिखना होगा, उदाहरण सहित लिखना होगा। और लास्ट क्वेश्चन यानी कि 14वां क्वेश्चन है, जो 6 नंबर का आपका पूछा जाएगा, कि समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा सफाई कर्मी पद पर नियुक्त है संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखे। तो आपको इसके 6 नंबर आपको दिए जाएंगे, अथवा अगर आपको वो वाला नहीं समझ में आ रहा है तो आप अथवा प्रश्न भी कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन यहीं पर आता है 15वां, तो आपको इसमें से भाषा शैली में एक निबंध अपनी भाषा शैली में आप किसी भी प्रकार इसको लिख सकते हैं। करीब 200-250 शब्दों का होना चाहिए, तभी आपको 9 नंबर या 8 नंबर दिए जाएंगे इसके। तो आप कोई भी अच्छा सा टॉपिक पसंद करके, यानी पर्यावरण प्रदूषण पर लिख सकते हैं, किसी पर भी लिख सकते हैं आप जो इसमें से दिया गया हो, तो आप लोग उसका लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन इसमें, इस पेपर में तो क्या है कि समय बहुत कम दिया गया है, जो आपको आगे चल के थोड़ा दिक्कत होगी समय की, क्योंकि इसमें दोनों पेपर ऐड कर दिए गए हैं, 100 नंबर कर दिया गया है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है मुझ, क्योंकि हाई स्कूल की तरह एकदम कर दिया गया है पेपर, तो आपको इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और बाकी सब बढ़िया है, इसमें सब अच्छे से बताया गया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उनके आंसर सभी के दे दूंगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे माय फ्रेंड। जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत।